शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय इंद्री में मंगलवार को दो दिवसीय 15वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आरंभ हुआ। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. राजीव गुप्ता जी के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि का स्वागत स्पोर्ट्स बोर्ड के सदस्यों के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया और कहा कि सभी प्रतिभागियों को खेलकूद के नियम अनुसार प्रतियोगिताओं में हार जीत की भावना से ऊपर उठकर भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि खेलकूद प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में एकाग्रता व नेतृत्व के गुणों को पैदा करने का कार्य करती है। शिक्षा केवल विद्यार्थियों को मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाती है, जबकि खेलकूद प्रतियोगिता शारीरिक व मानसिक रूप से विद्यार्थियों को सुदृढ़ करती है। दो दिवसीय खेलकूद के प्रथम दिन 800 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो, 100 मीटर रेस, लॉन्ग जंप व अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय रहने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। इंदिरा से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय मटक माजरी में प्रति वर्ष अनुसार वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता दो दिवसीय जो आज और कल आयोजित की जा रही है का शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिताओं में लगभग 19 इवेंट जो हैं वो बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग आयोजित किए जा रहे हैं और ये सारी प्रतियोगिता जो है उच्च स्तर शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार के द्वारा प्रायोजित है। इस प्रतियोगिता में सभी जो विनर्स हैं, प्राइज विनर्स हैं, अर्डन ये राशि प्रथम पुरस्कार के लिए 500 रुपये, द्वितीय के लिए 300 और तृतीय के लिए 200 रुपये प्रत्येक विनर के लिए निश्चित की गई है, जो कि हम उनके खाते में ट्रेजरी के माध्यम से उनसे आईडी जनरेट करके ट्रांसफ़र करते हैं। और विभिन्न प्रतियोगिता इसमें सारे मतलब जितने भी बच्चे बड़े उत्साह से भाग ले रहे हैं, मैक्सिमम जो है 12 या 13 इवेंट्स आज आयोजित कर लिए गए हैं, बाकी जो रिमेनिंग इवेंट्स हैं वो कल आयोजित किए जाएंगे और उसके बाद पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। तो कल ये खेल भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, तो उनका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो होता ही है कि भाई एक्सरसाइज हो जाती है इस बहाने, और जो बच्चे थोड़े खेलों में अच्छे हैं वो आगे जाके और प्रोग्रेस कर सकते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इस वर्ष जो है हमारे यहाँ से इसी जो करंट ईयर है इसमें 4 विद्यार्थियों ने हमारे महाविद्यालय के जो हैं, सुशील कुमार BA1 इसने मार्शल आर्ट में इंटरनेशनल लेवल पर सिल्वर मेडल हासिल किया है। मिस्टर मनदीप BA फर्स्ट ईयर के हैं ये, इन्होंने भी मार्शल आर्ट में नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल हासिल किया है। अभिषेक BA सेकेंड ईयर के हैं, इन्होंने रेसलिंग में यूनिवर्सिटी लेवल पर ब्रॉन्ज मेडल लिया है। और सिद्धांत जो हैं BA सेकेंड ईयर के, इन्होंने ताई कमांडो में यूनिवर्सिटी लेवल पर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। अच्छा, इनको भी हम कल अपने महाविद्यालय स्तर पर सम्मानित करेंगे स्मृति चिन्ह देकर और सर्टिफिकेट। कॉलेज की तरफ से समय समय पर हम उनको मोटिवेट करते हैं कि जो कि आजकल जैसे हमारी मॉडर्न लाइफ है उसमें हमारा ज़्यादा शारीरिक श्रम की और हमारा झुकाव कम रह गया है, तो बच्चे कहीं ना कहीं अपने को खेलों में इन्वॉल्व करके अपने को शारीरिक रूप से फिट रख सकते हैं और जो बच्चे डिजर्व करते हैं वो इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो समय समय पर हम लेक्चर के माध्यम से, जैसे फिजिकल एजुकेशन हमारे यहाँ सब्जेक्ट है, उसके माध्यम से भी बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो खेलों में बढ़ें। और जैसा आप देख रहे हैं कि हमारी राज्य सरकार भी खेलों के प्रोत्साहन के लिए खिलाड़ियों को जो आगे जा रहे हैं, मेडल्स हासिल कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन दे रही है नौकरियों में भी और नगद धनराशि के माध्यम से भी उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो महाविद्यालय भी सरकार की पॉलिसी के अनुसार बच्चों को मोटिवेट करने के लिए जो भी एफर्ट्स किए जा सकते हैं वो करने का पूरा प्रयास करता है। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।